जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति मैथ के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं और बहुत से लोग जो है यहीं पर गलती करते हैं, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा से एक भी आपकी जो है गलती ना हो और अच्छे से अच्छे जो है आप तरीके से आप लोग जो है उसका आंसर दे सकें। देखिए, आज इसे ट्रिक से समझाऊंगा जिससे मुर्दा भी जो है देख सके और समझ सकता है, मुर्दा भी उसके पढ़ने लगेगा। इस तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इकाई का अंक, संख्या पद्धति इकाई का अंक देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक का मतलब है लास्ट की संख्या। इकाई का जो अंक है उसका मतलब है लास्ट की संख्या। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा 5। ठीक है, इकाई का अंक 5 हो जाएगा, इकाई का अंक। ठीक है, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इकाई का अंक हो गया। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे इसमें अगर यहीं पे मैं ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? इसमें इकाई का अंक आपका 9 होगा। 9 जो है आपका इकाई का अंक हो जाएगा, 9 आपका इकाई का अंक हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 9 जो है आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ये बार बार किसी भी एग्जाम, देखिए यूपीपी, यूपीपी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर बार पूछे जाते हैं। लेखपाल हुआ, यूपीएसएससी हुआ, पेट हुआ, ठीक, किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुके हैं प्रश्न। तो इस हिसाब से आप लोगों को जो है ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे इस तरीके से समझिए, इस तरीके से भी आते हैं 882 गुणे 385 गुणे 385 गुणे 213। इसमें से इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक बताओ, कौन सा अंक बताओ? इकाई का अंक बताओ। तो समझिए, इसमें इकाई का अंक आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जो है बताइए। बिल्कुल डायमंड वेज है, डायमंड हीरा समझिए। इस तरीके की जो है समझने की ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल हीरा की तरह। ठीक है, तो समझ सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 इकाई का अंक क्या हुआ? इसमें 5 दूनी 10 इकाई का अंक क्या हुआ? 0। आपका जो इकाई का अंक हुआ है 0 हुआ। ठीक है, 0 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, 0 इकाई का अंक हो जाएगा। अगर 0 का मैं इससे गुणा, 0 की जो गुणा है 3 से करूं, या आपका जैसे कितना भी यहां से हो जाएगा इस तक, मतलब अनंत तक, अगर बीच में 0 आ जाए तो उसका इकाई का जो अंक है वो 0 ही रहेगा। इकाई का जो अंक है 0 ही रहेगा। तो ध्यान से आप लोग समझिए, इकाई का अंक जो है 0 रहेगा। आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस हिसाब के, इसमें देखिए बहुत से कंफ्यूज लोग होते हैं, 386 गुणे 812 प्लस 289 गुणे 136। इसमें क्या है? इकाई का अंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, इकाई का अंक जो है बताना है। चलिए, इकाई का अंक आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। इसका इकाई का अंक जो है क्या होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। इकाई का अंक क्या होगा? देखिए, इसका गुणा करिए इससे। ठीक है, यहां से आइए, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी कितना है 12। अब इसका गुणा कीजिए। ठीक है, इसका गुणा कीजिए, देखिए इसका गुणा कीजिए, 9 6 54। 9 6 कितना हुआ 54। ठीक है, 54, तो इसका इसे जोड़ लीजिए। ठीक है, 12, 6 हुआ, 6 हुआ, तो इसमें इकाई का अंक आपका क्या हुआ? 6।
सिक्स आपका इकाई का अंक हो गया, क्या हो गया सिक्स। इस हिसाब से भी जो है बहुत से लोगों को कंफ्यूज होते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे जो है गलती करते हैं, तो इस हिसाब से समझिए जो आपको गलती ना हो और अच्छे से आप लोग इसका आंसर दे सकें। चलिए आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, आगे समझने का जो है प्रयास करेंगे, ध्यान से समझिए, देखिएगा। अगर मैं यहां पे लिख लूं 1234 की घात 3, 1234 की जो है घात 3 लिख लूं, तो इसका क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है आपको, इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। चलिए इसका इकाई का अंक जो है आप लोग बताइए क्या होगा, समझते हैं इसका जो है इकाई का अंक क्या होता है, देखते हैं। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसे समझ लीजिए जो इकाई का अंक आप निकालना है इसका, तो चार का जो है चार को लिख लीजिए, ठीक है, चार को चार बार तीन, तीन कर दिया है इसका वर्ण, तो तीन बार इसे लिख सकते हैं, चार गुणे चार गुणे चार, चार चक्कू सोलह, चार चक्कू सोलह, इसमें इकाई का अंक कितना आया छः, ठीक है, छः चौक चौबीस, चौबीस हुआ इसका इकाई का अंक जो क्या हुआ चार, तो इकाई का अंक जो बराबर है, इकाई का अंक अंक हुआ आपका चार, ठीक है। इस हिसाब से भी बहुत से लोग हैं कंफ्यूज होते हैं, तो इकाई का अंक हो गया चार। आगे समझने का प्रयास करते हैं, देखिए चलिए आगे देखते हैं। तेरह 565 की घात 6, इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक, इकाई का अंक आपको निकालना है, यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है, अब इसे 6 इसका जो घात दी है तो ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए देखते हैं, 5 × 5 छह बार लिखना है, ठीक है, 5 × 5 × 5 × 5 देखिए 6 बार हो गया होगा, ठीक है, 6 बार हो चुका, ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 2 कितने हैं भैया 10, ठीक है, अब यहां पे 0 आ गया, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, कितनी भी बड़ी संख्या अगर 0 आ जाए तो कितनी भी कहां अनंत तक, यहां पे आ जाए इसके डाटा तक अनंत तक, तो इसका जो है राइट जो आंसर है वो 0 ही होगा, क्या होगा 0, 0 ही होगा इसका जो है राइट आंसर, समझने का प्रयास करें, ठीक है। अगर मैं 0 की गुणा 5 में कराऊंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहां पे भी 0 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई का अंक बराबर 0, ठीक है, 0 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, सभी लोग क्लास को एक बार दबा के शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी भेज दें, जो लोग नए हों चैनल पर विजिट कर रहे हो वो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें और ऐसी क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं कि जो है आज की क्लास आप लोगों को कैसी। धन्यवाद।